दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। स्वागत है, आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर एक से एक सितंबर से दोस्तों 9 से 12 के स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर दोस्तों गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये दोस्तों अभी भी गाइडलाइन जारी की गई है 12/8/2021 का। आप यहाँ पर टाइम, यहाँ पर दोस्तों दिनांक देख सकते हैं। तो दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर आपकी बैठक व्यवस्था रहेगी, 1 सितंबर से 9 से 12 के स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर दोस्तों पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है। साथ दोस्तों यहाँ पर डेट भी जारी कर दी गई है, आप दोस्तों देख सकते हैं पूरी यहाँ पर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सो गाइस, पूरी क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइन के अंदर आपकी व्यवस्था होने वाली वो आपको इस वीडियो में पता चलेगी, वीडियो को एंड तक देखिए। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करते हैं पूरी जानकारी के बारे में। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुसार 24/7/2021 द्वारा राज्य में शिक्षण संस्थानों को पुनः प्रारंभ करने के लिए दिनांक एवं मानक संचालन प्रक्रिया के निर्णय हेतु मंत्रिगण की समिति का गठन किया गया था। दोस्तों ये बात हमारे काम की नहीं है, हम लोग सीधे काम की बात पे आते हैं। राज्य के सरकारी निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन 50% क्षमता के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 बुधवार से प्रारंभ किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आगमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि के 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक है दोस्तों फर्स्ट डोज अनिवार्य लेनी होगी। प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अपने शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के वैक्सीन को की दोनों खुराक फर्स्ट और सेकेंड डोज के अनिवार्य शर्त के साथ दिनांक 1 सितंबर 2021 से बुधवार से बैठक क्षमता के 50% के साथ संचालित हो सकेंगे। यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस ऑटो इनके लिए दोस्तों बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे और नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता से 50% से अधिक न हो। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंसिंग लर्निंग अध्यापन का प्रेफर्ड माध्यम रहेगा एवं इससे प्रोत्साहित किया जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां आगामी आदेश तक केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित रहेगी। और गए जहाँ पर राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जाएगी। यानी दोस्तों, शिक्षण संस्थान में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता पिता अभिभावक जो अपने बच्चों का अभी ऑफलाइन अध्ययन हो तो संस्थान नहीं भेजना चाहते, उन पर संस्थान द्वारा उपस्थित है तो दबाव नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों, आपके माता पिता यदि आपको स्कूल नहीं भेजना चाहते हो तो आपके माता पिता पर या फिर आप पर किसी भी तरह कोई दबाव नहीं होने वाला है। उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर संचालित रखी जाएगी। शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आपको आवश्यक करनी होगी और विद्यार्थी या स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। इसके उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान परिसर कक्षाओं में सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी वो दोस्तों आपको रखनी पड़ेगी। प्रत्येक फ्लोर एवं क्लासरूम में फैकल्टी रूम में कुर्सियाँ, सामान्य सुविधा एवं मानव संपर्क में आने वाले बिंदु जैसे रेलिंग्स, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह फर्श आदि प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाएंगे। तो गाइस, ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनकी आपको पालना करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप यदि देखना चाहते हैं ये सभी नियम तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों खोले जाने के संबंध में अन्य विस्तृत दिशा निर्देश शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग जारी किए जाएंगे, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भी जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये सभी जो है वो जारी कर दिए गए आज की डेट शीट। दोस्तों, मैंने आपको सुबह बताया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सही न्यूज़ नहीं बताते। सो गाइस, आप देख सकते हैं डेट फिक्स भी हो चुकी है और इसकी गाइडलाइन भी आ चुकी है। तो गाइस, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ सीखा, संस्थान परिसर में किसी विद्यार्थी या शिक्षक कार्मिक के कोविड पॉजिटिव है, यहाँ पर दोस्तों कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी रहेगा। तो ये दोस्तों कुछ नियम है 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। तो गाइस, ऐसी अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।